पकड़ा उसे। नहीं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो तुम्हें मिले साले की चमड़ी उधेड़ देना। फोन उठा। क्रिश, लावण्य का भाई जान गया है, मुझे बचा ले यार। मैं आ रहा हूँ। जोर है उसके बाजू में, शेर सकल है सीने में, दिल का सच्चा राजा वो राज दिलों में करता है, जीतना उसकी आदत है, हर बाजी जीत ले वो। ये कहां ले आया तू? लावण्य के घर? जब प्यार किया तो घबराना क्या? कौन है बे तू? तू जिसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जानता है वो कौन है? तेरा जीजा। तू सलग गटर का कीड़ा प्यार के रिश्ते को नहीं समझेगा। आज मैं तुझे भाई का फर्ज निभाना सिखा दूंगा। खुशी खुशी हाँ बोल दे इसके होने वाले साले, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसकी गलती यही है ना कि ये तेरी बहन को चाहता है, बस इतना ही ना? तो बात करके मैटर सॉल्व कर। बातचीत के बाद अगर तूने रिश्ते के लिए मना किया ए, सिर्फ 5 मिनट के लिए बहादुरी दिखा और जिंदगी भर इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। उस दिली छोड़ और लावण्य के लिए लड़ना शुरू कर।
अरे ऐसे क्या हुआ? अगले 5 मिनट के लिए इसकी बत्ती गुल है, जाके लावण्या को ले आ। साले मैं तेरी बहन ले जा रहा हूँ, दिल पे मत लेना। हाँ ए, इन दोनों का पीछा मत करना, क्योंकि तेरे और इनके बीच मैं खड़ा हूँ। मुझसे मुकाबला करने तब आना जब बूते में थोड़ा दम आ जाए। खत्म कर दूंगा तुझे, नहीं तेरे घमंड को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सहयोग से हमें यह प्रेस्टीजियस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी कीमत 2000 करोड़ है, और यह प्रोजेक्ट कौन है? हे क्रिश, ये मेरा बेटा कृष्णा है, मेरी ताकत और मेरी जिंदगी। ए तुम यहां कैसे आज? पापा आपसे 2 मिनट बात करनी थी। 2 मिनट क्यों, 2 घंटे लो, एनीथिंग फॉर यू, कम ऑन। सर सर, पर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए परवाह नहीं, पर इससे ज्यादा जरूरी मेरे बेटे की खुशी है। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन करके मुझे कहा 10 मिनट के अंदर पहुंचू तो आ गई। चलो बेटा, इन्हें बका के लाए हो और शादी भी करवा दी। That's my son. पद्मा, जब मैं जवान था ना, मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा ऐसे कुछ करना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया जो इसने कर दिखाया। बेटे की कामयाबी पर हमेशा ये बोलते हो। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। गॉड ब्लेस यू। अभी हम छोटे हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद इन्हें जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देगा। और अगर तुझे कोई पसंद हो तो प्लीज ये सब मत करना, उसे सीधा हमारे पास ले आना। शिट, अरे कहाँ चल दिए? मीटिंग है अंकल, उसे जाने दीजिए। क्या? क्लासेस को मारे गुत्ती, ब्रेन में दिल में हर तरफ बस चाहिए लड़की, और ना कुछ आता है हमको बस करते ये धंधे। चोरी चोरी दिल लेना, धीरे धीरे जादू करना, इन्हें की अदा दिल से खेलना, कुछ भी ये सोचना, कुछ भी ये समझना, ना दे सके दिल ना दे सके। Never never do, dil tum never never do, suno na mano na bachdaoge. Never never do, dil tum never never do, chahe ho mabita vanita. नसों में प्यार तेरा फंसा, मुझ पे तेरा ही तो जादू चढ़ा, हर जन्म मैं रहूंगा तेरा, एक बार मुझको जो तू देख बल्कि जरा कभी निकला ना जो
कुछ मैं बोलूं खुद से कर ले अब तू वादे गुलियों से तू बच के रह ले तोड़ दे अब ये बंधन बंधन भाग ले बच्चू अब तू निकल ले चली चली दिल लेना धीरे धीरे जादू करना इन्हें की अदा दिल से खेलना कुछ भी सोचे ना कुछ भी समझे ना ना दे सके दिल ना दे सके never never दो दिल तुम never never दो से कर ले अब तू वादे गुलियों से तू बच के रह ले never never दो दिल तुम never never दो तोड़ अब ये बंधन बंधन भाग ले बच्चू अब तू निकल ले सुनो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो समझ के क्या रखा है तुमने मुझे हाँ जब मन करेगा तो मुझे बाइक पे बिठाकर किडनैप कर लोगे इंदू मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा यार मॉम डैड क्या है आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना था ना यही है इंदू दो दिन पहले कहा था आज तुम ले भी आए अबे तो एक साल हो गया है जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो मैं भी अपने पापा से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाना चाहता था लेकिन इनसे शादी हो गई मजबूर था और जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया मेरे पापा ग्रेट है ना हाँ ग्रेट ग्रेट नहीं है बेटा वो तो मैंने ही तरस खा के इन्हें प्रपोज कर दिया था वरना उन दिनों मेरी डिमांड भी कुछ कम नहीं थी मॉम आप सबसे बेस्ट है आओ तुम अंदर आओ बेटा आ जाओ बेटा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ बस जल्दी ही मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी शादी के बाद तुम्हारे क्या प्लान है ये डिपेंड करता है कि क्रिश क्या चाहता है बाय आंटी अरे कृष्णा कृष्णा उठ ना बेटा क्या माँ क्रिश बुलाओ मंदिर जाना है उठ जाओ मुझे मंदिर नहीं जाना कोई मंदिर जाने से इनकार करता है क्या लोग मंदिर क्यों जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे मॉम डैड हैं प्यार करने वाली मेरी इंदु है मुझ पर जान छिड़कने वाले मेरे दोस्त हैं और इतना पैसा कि जिंदगी भर खर्च करूं तो भी खत्म ना हो इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा भगवान नाराज हो जाएंगे ओके क्रिश अर्जेंट है जल्दी मिलो ना क्या हुआ प्रॉब्लम है मुझे खुजली नहीं हो रही मुझे भी खुजाने का शौक नहीं तो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है शुरू हो जाओ वो मेरी दोस्त है और उसकी शादी करवानी है पूरी बात तो सुनो वो बहुत ही ब्रिलियंट है वो अपने करियर को बहुत आगे लेकर जाना चाहती है यहाँ की पढ़ाई के बाद वो यूएस जाकर हायर स्टडीज करना चाहती है पैसे कम पड़ रहे हैं तुम फिर बीच में बोले बेचारे के पापा ने उसकी शादी गांव के किसी गुंडे के साथ फिक्स कर दी है और वो बहुत बदमाश है अगर उसकी शादी हो गई तो मेरी दोस्त बर्बाद हो जाएगी इस मुसीबत से बचने के लिए उसने अपने पापा से झूठ बोला है कि शहर में उसका एक बॉयफ्रेंड है लड़की स्मार्ट है यहीं पर आकर तो वो फंस गई है अब उसके पापा उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं बाप ओवर स्मार्ट है अपने पापा से मिलवाने के लिए उसे अर्जेंटली एक बॉयफ्रेंड चाहिए अब तेरी दोस्त के लिए बकरा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं बकरा क्यों बोल रहे हो गधा बोलूं अगर थोड़े पैसे दूं तो शायद कोई गधा बकरा बन जाए नहीं 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 मुझे बकरा बन के हलाल नहीं होना पागल हो गई हो क्या तुम उंगली करती हो और मैं फंस जाता हूँ भूमि भूमि तुम उसके असली बॉयफ्रेंड नहीं हो अच्छा बताओ मैंने देखा है ज्यादातर बाप अपने बेटी के बॉयफ्रेंड्स को पीटने के लिए गुंडे वुंडे भेजते हैं पर तुम्हारे पापा ने तो मुझे चाय पर बुला लिया है क्या सीन शॉट है बॉस कोई सीन शॉट नहीं है वरना तुम्हारी जगह किसी गधे को ना भेज देते तुम जाओगे तो सबको खुश करके सब कुछ सेट कर दोगे हलाल तो मुझे ही होना है बहुत अच्छे वैसे तुम यहाँ से अमेरिका क्यों नहीं भाग जाती क्योंकि ये अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती पुरानी स्टोरी ये अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती तुम इसे दुखी नहीं देख सकती हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता लग गए तो अब क्या
यही चाहती हो ना कि इसकी मदद करूं? अपने बॉयफ्रेंड को अपने सहेली का भाड़े का बॉयफ्रेंड बनाने वाली तुम पहली होगी। बहुत अच्छे। वो तो है, तुम अपने घर पे क्या कहोगे? मैं तो मिशन खत्म होने के बाद ही डैड को बताता हूँ, अब भी वैसा ही करूंगा। कब निकलना है? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड टूर कराऊं। वर्ल्ड टूर? आप तो गए नहीं तो सोचा मैं ही जाकर आता हूँ। That's my son. कब जाने की सोच रहे हो? कल। Enjoy yourself. मुझे तो अभी से मेरा फ्यूचर हिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तुम्हारे भाई बहन कितने? मैं इकलौती हूँ। ओह, बिल्कुल मेरी तरह। तो घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे मॉम डैड, मैं उन्हें संभाल लूंगा। घर में और 20 लोग हैं। क्या? मेरी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट होके मेरी बचाएंगे। मेरे डैडी भानु प्रसाद, मेरे जन्म के 2 साल बाद मेरी माँ गुजर गई। लोग कहते हैं कि डैडी उसके बाद से ही कठोर दिल के हो गए। घर हो या बाहर, सब उनसे डरने लगे। वो किसी की नहीं सुनते। अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, और अगर कोई नापसंद हो तो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। मुझसे भी उन्होंने आज तक कभी प्यार से बात नहीं की क्रिश, लेकिन एक दिन वो मुझे जरूर बेटी कहेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार है। ये हमारी फैमिली फोटो है। फोटो देखकर लगता है तुम्हारे डैड प्रिंसिपल है और बाकी सारे स्टूडेंट्स। ये मेरे बड़े फूफा है, इन्हें ताश खेलने का बड़ा शौक है। ये बड़ी बुआ जिन्हें अपनी तारीफ बहुत पसंद है। ये उनका बेटा ओवर स्मार्ट चिट्टी। ये छोटे फूफा यहाँ 15 साल पहले दिवाली पर आए थे, हर बार कहते हैं अगले त्योहार पर चला जाऊंगा। ये मेरी इमोशनल छोटी बुआ, और ये दोनों घर जमाई फूफा सबसे धोखेबाजी करते हैं। ये मेरे काका जी और काकी जी, ये मेरे छोटे चाचा और छोटी चाची, और ये उनके बच्चे, और ये मेरा प्यारा किट्टू है। यार ये तुम्हारा घर नहीं, चिड़िया घर है। ये सारा प्लान उस इंदु का है ना? नहीं तो, मेरे दादाजी का। उसके अपने कई सपने हैं। वो बच्ची आगे पढ़कर कुछ करना चाहती है, और तुम चाहते हो कि वो शादी करके घर गृहस्थी संभाले, वो भी उस मवाली गुंडे के साथ। वो गुंडा नहीं है, ढूंढने पर तो हर आदमी में कमी निकल आएगी। मैं उसके पिता से भूमि की शादी का वादा कर चुका हूँ। और वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है जबकि उसे नहीं है? अरे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे है। लेकिन क्या? हाँ, उसे शहर में किसी से प्यार हो गया है। तो वो है मुसीबत की जड़। बड़ा टेढ़ा प्लान है उनका। वो भी वही रहते हैं क्या? मैं इजीली सब मैनेज कर लूंगा, पर तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं? लगता है दामाद आ रहे हैं। कब है शादी? कम से कम इस दोस्त को बता तो दिया होता। मैंने उसे अपना दामाद बनाने के लिए नहीं बुलाया, मेरे दिमाग में कुछ और है। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो शहर के एक लड़के से प्यार करती है, उसके बाद भी अगर मैं उसे मना करूं और बवाल मचाऊं, तो हो सकता है कि वो उस लड़के के साथ कहीं भाग जाए, क्योंकि वो बालिग है और घर से दूर है। तभी वो उसकी मीठी बातों में आ गई होगी, इसलिए मैंने उसे यहां बुलाया है। यहां हम सब हैं, हम उसका जीना हराम कर देंगे ताकि वो यहां से चुपचाप चला जाए, फिर भूमि को मनाना मुश्किल नहीं होगा। मतलब ये है कि हमें उसकी बैंड बजानी है, उसकी नानी याद दिलानी है। तुम्हें याद है तुम्हारी नानी कौन है? मेरा फैसला बदल नहीं सकता। अगर वो किसी की बहू बनेगी तो सिर्फ तुम्हारे घर की बनेगी। वो आ रहा है, आने दो उसे। एड़े, कोई बम नहीं फूटा, बस का टायर है। बस को भी यही पंचर होना था। हे, उसे का तो जान से जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत के हमारे गांव में कदम रखा। तो उस गांव का होकर यहां कदम कैसे रखा? हमारे गांव में आकर हमारे आदमी पर हाथ उठा। क्रिश, गांव वालों से दूर रहो, प्लीज बस में बैठ जाओ। तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानते क्रिश।
था इसे? मैंने। तूने? क्यों? बस रुकी, मैं उतरा। सिगरेट जला रहा था कि इसने कॉलर पकड़ लिया। मुझे पसंद नहीं आया, फोड़ दिया। अगर मैं यहाँ एक मिनट भी लेट आता तो तू जानता है क्या होता? यहाँ 10 और बेहोश पड़े हुए। आवाज नीचे और बता किससे मिलने जा रहा है? भानु प्रसाद जी। तभी इतना बोलने की हिम्मत कर रहा है? अरे ओ, जरा बांध तो इस लड़के को। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, देखता हूँ कौन इसे और इस बस को छुड़ाने आता है। चल भैया, हमारे दुश्मनों ने बस रोक लिए और इस तरफ आने भी नहीं दे रहे। रुक जाओ। देख, ये मत सोचना कि तू बच गया। भूल मत कि लौटना तुझे इसी रास्ते से पड़ेगा। जो कभी आपकी बीन पर नाचता था वो आज फन उठाए खड़ा है। साले का फन कुचल दो। नाइस नेम। चोरी बच्चा आ गई, चोरी बच्चा आ गई। काला जी, चोरी बच्चा आ गई। माताओं नमस्ते। और फूफाओं, रमी खेल रहे हो तीन पत्ती? अरे दादाजी, नमस्ते दादाजी। इसकी तो आओ भगत मैं करूंगा। सुना है कि तुमने यहां आते ही किसी की पिटाई कर दी, काफी दिलेर लगते हो। अब अपने मुंह से खुद की तारीफ करना, वो भी आपके सामने, अच्छा नहीं लगता। नाम क्या है? कृष्णा, पापा ने नाम रखा है। थोड़ा पुराना है, आप मुझे कृषि बुलाइए। तुम्हारा बाप क्या करता है? कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसमें क्लर्क है। तो तुम क्लर्क के बेटे हो? बिल्कुल। शहर में तो लड़कियों की कोई कमी नहीं, फिर इसको चुनने की कोई खास वजह? इस सवाल का क्या जवाब दूं? दुनिया में कितने सारे पिता हैं, आप उसी के पिता क्यों बने जिसे मैं चाहता हूं? मैंने तो आपसे नहीं पूछा। बात तो सही है। काम क्या करते हो? कुछ सोचा नहीं है सर। इसे प्यार करने की वजह? नफरत करने की वजह होती है, लेकिन प्यार करने की कैसी वजह? हर बॉल पे छक्का मार रहा है। जाओ यहां से। थैंक यू सर। इस तरफ क्रिश। क्रिश, ये रूम थोड़ा सा तुम्हारे पापा की शक्ल पे ही दिख रहा था, वो मेरी मस्त बजाने वाले हैं। मेरे डैडी ने तुमसे जिस तरह से बात की उसके लिए हम सॉरी। इसमें गलत क्या है? कोई बाप नहीं कहेगा कि आओ दिलवाले और दुल्हनिया ले जाओ। तुम्हारे पिता ने जो किया बिल्कुल सही किया। थोड़ा सा सख्त है, और मैं बुरा क्यों मानूं? मैं कौन सा तुम्हारा आशिक हूं? मेरी एक फिलॉसफी है, मैं हैप्पी सिचुएशन में हमेशा हैप्पी रहता हूं। जिंदगी में पहली बार नफरत झेल रहा हूं, ठीक है, इसमें भी मजा है। अरे क्या हुआ, दुखी क्यों हो रही हो? देखो, मेरी गर्लफ्रेंड को मुंह लटकाने का हक नहीं है। कम ऑन, चीयर अप। एक बात जानती हो, मेरे पापा हमेशा कहते हैं मैं पूरी इंडिया में सबसे एलिजिबल बैचलर हूं। मैं हूं ही कुछ ऐसा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ
सही है, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या यार, मैंने तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाई, थैंक्स नहीं कहोगी क्या? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में नो सॉरी नो थैंक यू। क्या बात है, बड़ा डेवलपमेंट है, गुड गुड। अब ये बताओ, मैं सबसे मिल चुका हूँ पर वो कहाँ है? वो कौन? जिस टेढ़े को मैं यहाँ सीधा करने आया हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। अगर तुम्हारी बहन पेट से है तो क्या सबूत है कि वो बच्चा मेरा है? तुम ही ऐसा घिनौना काम कर सकते हो। भूमि को मैं तब से चाहता हूँ जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मेरी शादी सिर्फ भूमि से होगी, ये जानते हुए भी तेरी बहन मेरे साथ सोई। बहुत ज्यादा गर्मी थी तेरी बहन में, मैंने तो बस उसकी प्यास बुझाई। तुझे अगर शिकायत थी तो तुझे मेरे पास आना चाहिए था। मेरे ससुर जी के पास जाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तूने इसका बच्चा नहीं गिराया तो तेरे बच्चे स्कूल जाने के लिए जरूर निकलेंगे पर घर नहीं लौटेंगे, और तेरी बीवी का तो। भैया आपसे मिलने कोई आया? क्या काम है बे? जैसा सुना था वैसा नहीं है तू, काफी हैंडसम है। अबे तू है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, तुम्हारी होने वाली बीवी का होने वाला पति। भूमि, ए, बड़ी गलती कर दी तूने, यहाँ आने से पहले मेरे बारे में पूछ लेना चाहिए था। लोग अक्सर मेरे बारे में पूछा करते हैं, मुझे किसी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। भूमि के घर कदम रखते ही मुझे पता चल गया था तुम अपना जोर आजमाने के लिए यहाँ जरूर आओगे। तुम तो नहीं आए इसीलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, भूमि को भूल जा, जानता हूं थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन ट्राई करना, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। भूमि चल। छोड़ दो मुझे। देख, मुझे शहर का कमजोर लड़का समझने की गलती कभी मत करना। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, मैं अंदर से बहुत टेढ़ा हूँ। अगर भूमि के बारे में ख्याल में भी सोचा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मुझे क्यों रोका? मैं इसे जिंदा जला देता। अब तक हमने जो किया है तुम्हारे होने वाले ससुर से छुप कर किया है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबसे निपट लूंगा। अब क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ अपनी पोती की पड़ी है और यहां इस नकली दामाद के ऊपर उस गुंडे की तलवार लटकी है। अरे दादाजी, मैं डर गया था, अगर बेटा तुम यहां ना आते तो भूमि की जिंदगी का क्या होता? मेरी फूल सी बच्ची, हम सब ने मिलकर इस बिन मां की बच्ची को पाला, लेकिन उसकी मां कोई नहीं बन सका। भूमि ने अपने नाम की तरह कई दुख अपने सीने में ही दबा कर रखे हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताती। यहां आने से पहले उसने घर के सब लोगों के बारे में मुझे बताया, लेकिन उसके बारे में आपने बताया। इस घर में इतने सारे लोग हैं पर आपकी बात पे कोई ध्यान क्यों नहीं देता? अरे भानु का दबदबा इतना ज्यादा है, सबकी बोलती बंद रहती है, उसके सामने कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोलने का कोई मतलब तो है नहीं। पर इसमें गलती मेरी है, तुमने वो पुल तो देखा ही है बेटा, दोनों गांव के लोगों के मन में बहुत नफरत है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। भानु और शिव की माए अलग हैं पर बाप एक है, और वो शख्स मैं हूं। फिर तो दोनों भाई हुए। छोड़ो यार,
कहां भूमि के बारे में बता रहा था, कहां अपनी पुराण ले बैठा। अरे उस सबको कचरे के डब्बे में डालो। अरे वो तुम्हारे पापा तो एक क्लर्क है ना, और तुम सब झोपड़पट्टी में रहते हो, माचिस के डिब्बे जैसे घरों में हैं। इसे देखा कितना बड़ा महल है ये हैं? मैंने बनवाया है इसे, तुम्हारा जब तक मन करे रहो और मजे करो। अरे हाँ ये 500 रख लो बेटा, नकली हुए तो क्या हुआ, दामाद तो 500 की बोनी तो तूने कर ली, अब क्या हमारी पूरी जायदाद ऐंठना चाहता है? क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है, ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है, तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है, मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ देके जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है, पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं इस है। फिल्म के देवदास तो आप ही हो। मुझे शूट किया, मैं इतना हैंडसम जो? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता, चल चल दिखा दिखा। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है, जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला तुम वर्त की जवानी। तेरी सब कपड़ी इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे, मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बैठने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहां कहां से हवा निकली बता नहीं सकता हूं, पूरा टाइम टाइम फिश। क्यों भैया घूसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकाल कर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़ कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई हाँ। और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना हाँ। तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गाँव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी है। भूमि जल्दी ऊपर आओ। भूमि भूमि ए भूमि भूमि। मैं इसलिए चिल्ला रहा था ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों प्यार में पागल हैं, ठीक है ना? प्यार का पता नहीं पर तुम पागल हो। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर तुम्हारी दोस्त तो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाती है। बापू उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। भूमि हाँ? तुम पर ये लाल रंग अच्छा है, जचता है। थैंक्स, अब चलो। पेड़ में चूहे कूद रहे हैं। भाई आगे नाश्ता लाओ। क्या रे बुला रहा है या डरा रहा है? इस डर में भी प्यार छुपा है भैया। बैठ जा। ये लो, ये दोनों तुम्हारे लिए। एक और। ये प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है। ये महालक्ष्मी बुआ है, इनकी थोड़ी तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाती है। जरा सुनिए, आप अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पर भूमि तो किसी और की तारीफ कर रही थी। वो किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम शुरू होता था कुछ महालक्ष्मी। हाँ हाँ करेक्ट। खैर छोड़िए, खाना आप बनाएं और तारीफ महालक्ष्मी की करूं।
और क्या कहा बताओ ना। प्लेट बदल दी। कहा तो उसने बहुत कुछ है, कोई और मुझे पसंद करे या ना करे महालक्ष्मी जरूर पसंद करेंगी। पता नहीं कितना सच है। एक बात बोलूं? आप फिसलना नहीं। हाँ कहिए। तो महालक्ष्मी ना मैं हूँ। महालक्ष्मी? महालक्ष्मी आप ही हैं? हाँ। ए भूमि, कैसी बेवकूफ लड़की है, आपसे काम करवाने की उसकी हिम्मत कैसे? मैं मर जाऊं। अरे बैठो बेटा बैठो। क्या हुआ क्रिश? अरे तू जा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने पुरुष देखा, महापुरुष देखा, सब कुछ देखा, पर तू जैसा कमीना नहीं देखा। क्या कहा? मतलब क्या बंदा है रे तू? क्या हुआ? देखो चाहिए किसी को पसंद हो ना हो, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना हो। क्रिश बाबू, मैं तुम्हारे लिए 2 पराठे लाती हूँ। हाँ। ये बैल अब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं है, बताइए अब इनका क्या करें? सालों से हमारे परिवार का साथ दे रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो कोई काम के नहीं है, बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। वो रह सकते हैं तो ये बैल क्यों नहीं? भाई साहब, यह हमें खरी खोटी सुना गया। आदत पड़ गई है, क्या तुम उसकी बात मानकर चले जाओगे? मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, दशहरे का त्योहार नजदीक आ रहा है। अरे वाह, कितनी बढ़िया जगह है, यहाँ आराम करता हूँ। ओए, यहाँ क्यों आया, निकल। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बाद में मैं भी तो आप ही की तरह यहाँ रहने वाला हूँ। चलो मिल बांट कर खाते हैं। यही रहोगे? क्यों नहीं भैया, मैंने आप ही से तो सीखा है, घर जमाई बनूंगा। अब क्या करें? अगर ये आया तो ये स्टार दामाद बनेगा और हम एक्स्ट्रा। कोई रास्ता निकालो ना, उसको फंसाते हैं। पर कैसे? समय बताएगा। सुनो दामाद जी, यहाँ हम ही हैं जो आपको समझते हैं, हमारी खूब पटेगी, हमारे साथ रहना। मानो लाख मना करने के बाद भी ये यही भी बैठ गया। हाँ। जब ये पूंछ हिलाता तुम्हारे बीच जा बैठा तभी मैं समझ गया था, संभल कर रहना। ठीक है, समझ गया। बेटा क्रिश, इसकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। ओए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं दादाजी, ये बहुत छोटी मोटी बात है, याद रखिए काम पूरा करके ही जाऊंगा। बैंड बजा दे। अरे पापा, पापा का फोन। बेटा अभी कहाँ तुम? साउथ अफ्रीका में हूँ पापा। सुन क्रिश, वहाँ का नेशनल सफारी और जू देखना ना भूलना, अलग अलग तरह के जानवर है वहाँ जिन्हें तुमने एक साथ कभी नहीं देखा होगा। मुझे भी देना यार। पापा आप सही कह रहे हैं, मैंने इतने सारे जानवर पहली बार देखे हैं, रिश्तेदार, आई मीन चिंपांजी। चिंपांजी, आई एम मिसिंग यू मैन। मिस यू टू पापा, बाय। मेरे पापा इस गलत फहमी में है कि मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और तुमने मुझे गांव का टूर भी नहीं कराया। सॉरी, बस 5 मिनट, अभी ले चलती हूँ। जहाँ तक नजर जाती है पूरी जगह हमारी है। अगर मैं यहाँ तुमसे शादी करने और तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने आया होता तो सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं किसी के भी बाप को बुरा लगता। क्रिश, तार का रस पियोगे? अब मुझे पता चला तुम्हें किट्टू इतना प्यारा क्यों है। बताओ क्यों? तुमने देखा नहीं, जब उसे डर लगता है वो खोल में अपना सिर छुपा लेता है और वो तब खुश होता है जब उसके आसपास कोई नहीं होता, तुम्हारी तरह। अबे ओए, जितना घूमना है घूम ले कमीने, तू अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्यों भाई, शादी करके विदा कर दोगे क्या? बुड्ढा बीच में आ गया इसलिए बच गया, वरना तेरी माँ फेंक कर देता। साला सुधरेगा नहीं, यहाँ लड़की है गाली नहीं देते। एक बात बताऊं तुझे, मर्द वही होता है जो जब चाहे कुछ भी कर दे, अगर मैं चाहूँ ना तो बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे भूमि चल। ये शहर नहीं है जो कुंवारी लड़की को लेकर घूम रहे हो, काम है। तुम्हें थोड़ी सी भी हमारी बदनामी की फिक्र नहीं है? मुझे तो यहाँ इस गांव में आप ही ने बुलाया है तो बदनामी की बात पहले सोचनी चाहिए थी।
क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि गांव में अकेली लड़की को नहीं घुमाया करते? अब मैं इसे क्या कहूं? माँ बाप के परवरिश की सारी गलती है। क्यों ने चिट्टी? हाँ भैया। तूने बताया नहीं? क्या? अरे वही, तुम दोनों प्यार करते हो, जाकर घूमो फिरो, खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़कर गाने गाओ। मामा को तो मैं संभाल लूंगा, तुमने ये नहीं कहा था? अच्छा मैंने ऐसा कहा था? क्या रे, ऐसा बोला था? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब ये कह रहा है तो हो सकता है कि मैंने कहा होगा। क्या सोचा था मेरा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भेज देगा? सोचना क्या था, बांध कर रेडी रखा था। एक गलती क्या हो गई, जिंदगी भर की सजा मिल गई, तेरी माँ की कसम। अब तुम्हें किसका फोन आ गया? मेरी असली गर्लफ्रेंड है, बात नहीं की तो नाराज होगी। उसके पास दो है, अपने पास तो काम वाली की बांध दे। क्यों हीरो, सेट हो गए? भूमि को सेट कर लूं? तुम्हारी तो मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, तुम भूमि की फ्रेंड बनके यहाँ क्यों नहीं आ जाती? बहुत मजा आएगा। सिर्फ 10 दिन और रुक जाओ, एग्जाम्स के बाद मैं अपने घर में हमारे बारे में बता दूंगी, उसके बाद तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कल फोन करता हूँ। क्रिश, आई मिस यू। मिस यू टू। बाय बाय। चल जल्दी कर। कल सुबह जल्दी आना, खेतों में खाद छिड़कना है। जी साहब। ए सुनो, बसव राज के यहाँ शादी है, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, वहाँ फ्री का खाना मिलेगा, चले जाना और पेट भर के ठूस लेना। बड़ा बदतमीज आदमी है, ऐसे किससे बात कर रहा था? और किससे, हमसे ही। क्या कह रहे हैं फूफा जी, आप इसके बहन के पति हैं, अपने जीजा से कोई ऐसी बदतमीजी कैसे करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये तो नाइंसाफी है। ना भी इसकी खोर। अरे अरे, क्या करता है वो, हमें तुम्हारे साथ बाहर फेंक देंगे, खाना भी नहीं देंगे। अरे ये क्या बात हुई, माना कि हम कुत्तों जैसे हैं, खा खा के मोटे हो गए, इसलिए क्या वो हमें दुत्कारेगा? बात तो सही है। और वैसे भी, अरे क्या कर रहा है, देख नहीं रहा हम दामाद बातें कर रहे हैं, पानी फेंक रहा है, बाद में कर। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कहीं और जाके कपड़े लड़ाओ। देखा आप दोनों ने, काम करने वाला भी रौब जमाता है। हमारी तरह चिकना घड़ा नहीं है ना, इस पर असर नहीं होता, इसमें बहुत घमंड है। इसे निकाल देते हैं पर फिर भी ये हमारे आगे दुम नहीं लाएगा, क्योंकि ये मेहनत से डरता नहीं है, बाहर जाकर दो पैसे कमा लेगा, कौन सी बड़ी बात है। डैडी आ जाइए, भूख लगी होगी ना, आइए। आप ही का बेटा है, आप लोगों की हरकतें देख देख कर आप जैसा ही बन गया है काम चोर। इसे भी अपने जैसा एक घर दिलवा दीजिए, आप ही की तरह रह लेगा कीड़े जैसा। हाँ भैया, इतने साल बीत गए, बाकी भी आराम से कट ही जाएंगे, काम क्यों किया जाए? वैसे भी हम करते क्या हैं? अगर मर भी जाएंगे तो धरती का बोझ कम हो जाएगा, लोग बिना एक भी आंसू बहाए हमें उठाकर फेंक आएंगे, पर बुरा क्यों मानना, हम तो वहां होंगे ही नहीं। क्यों, जिंदगी तो ऐसे ही बीतनी चाहिए। और देखो, जब तक ये जगह सलामत है हमारे खाने पीने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बाद में लोग ये ना कहे कि आपकी जिंदगी कीड़ों जैसी बीत गई, बल्कि आपको अपने अच्छे कामों के लिए याद करें, ऐसी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है। अपनी जिंदगी को एक मकसद दीजिए। हे, यहाँ ट्रैक्टर था, वो कहाँ गया? वो दोनों ले गए। वो कौन? वो जो निकम्मे थे, सुबह ट्रैक्टर लेके खेत में निकल गए। वो दोनों खेत पर गए हैं? मेरे पति खेत पर गए हैं? क्या कहा, वो दोनों खेत में गए हैं? दोनों निकम्मे काम पे गए हैं? वो दोनों कैसे लौट आए? देखो, तालाब के पास का काम निपटा दिया है, लेकिन लगता नहीं कि खाद पूरी पड़ेगी, मौका मिलते ही और मंगवा लेना।
मंगवा लूंगा चीजा जी। वहां मजदूर भी कम थे, आदमी गिनकर ही तनख्वाह देना। अब आज के बाद आप ही सब कुछ संभालिए। खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, पर मेरा दिल हमेशा रोता रहता था। कोई मुझसे पूछे कि मुझे कैसा लगता था जब मेरे पति को घर जमाई कहा जाता था। क्रिश, मेरी दोनों बुआएं बहुत ज्यादा खुश हैं, और इन खुशियों की वजह तुम हो क्रिश। पर क्यों? तुम्हारे लिए। तुम्हारे इतने बड़े घर में इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी तुमने मदद के लिए अजनबी को चुना। तुम्हें पता है हालात अंदर ही अंदर क्या से क्या हो गए हैं। उस वृंदावन के कृष्ण ने सबको अपने साथ मिलाकर रासलीला रची थी, पर यहाँ के लोगों का एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। अगर आगे तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़े तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। इस भरे पूरे घर में तुम्हारे सारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए तुम्हारे लिए, और मुझे विश्वास है ऐसा होगा। मैं यहाँ आया था एक काम के लिए, कि वो गुंडा तुमसे शादी ना कर पाए। अगर सिर्फ यही बात होती तो मैं ये काम पूरा करके चला गया होता अब तक। पर तुम चाहती थी कि तुम्हारे पापा को इससे दुख ना पहुंचे, वो ये शादी रोक दे। तुमने जैसा चाहा है वैसा ही होगा भूमि। मेरे पापा नहीं बदलेंगे क्रिश, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये घर उनसे करवाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा क्रिश? अब ये लो, होगा क्यों नहीं, ट्राई तो करूंगा ना। स्माइल करके हिम्मत नहीं दोगी? अच्छा, आपका तो पीने का प्रोग्राम बन रहा है। आओ आओ मेरे बच्चे, आओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद मजे कर रहे हैं। पियोगे बेटा? कभी कभी पीता हूँ, जब थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ तब। मुझे भी आदत नहीं, लेकिन आजकल रोज ही हो जाती है। ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी तो बेटों ने बांट ली, साथ में मेरा भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने बस मेरे टुकड़े नहीं किए, और इसके लिए 6 महीने यहाँ रहता हूँ और 6 महीने वहां रहता हूँ। यहाँ के 6 महीने पूरे हो गए, कल मुझे दूसरे बेटे के यहाँ जाना है। ऐसा क्या हुआ था? क्या बताऊँ, बड़ा बेटा मेरी दूसरी शादी सहन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा पैदा हुआ। जैसे जैसे समय बीता दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। अपना फायदा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस दूरी को दुश्मनी में बदल दिया। छोटा वाला उधर, बड़ा वाला इधर, मैं बीच में। जब यहां पर उधर की और वहां पर इधर की याद आती है तो इसे बुलाने के लिए पी लेता हूं। 6 अपसेट क्यों होते हैं? 6 महीने ही तो हैं, कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लौटने के लिए मैं नहीं जा रहा इस बार। चुप हो जा बेटा। बानो, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा, अगर मैं वहां मर जाऊं तो अपनी जिद और दुश्मनी भुलाकर वहां जरूर आना। बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें ही मेरी चिता को अग्नि देनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, तू वहां जा रहा है? आप ही ने तो यहाँ बुलाया है दादाजी, जहाँ आप जाएंगे वहां मैं। पागल है क्या? मेरा बड़ा बेटा यही तो मौका ढूंढ रहा है, अगर उसे भनक भी लगी तो। ए, तू घर जा, वरना तुझे वो घर से निकाल देगा। आप टेंशन बहुत लेते हैं दादाजी, कुछ नहीं होगा। और देखिए, दोनों के बीच बाउंस होने के बजाय
आप इन दोनों को मिला क्यों नहीं देते? मेरे जीते जी तो यह सपना पूरा नहीं होगा। जरूर होगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। तो तुम जो कहोगे वही करूंगा मेरे बच्चे। कैसे हो? बाहर लागो पिताजी। हाँ जीते रहो। आइए पिताजी। हाँ। बेटा कृष्णा। खुद मौत के मुंह में आ गया तू, काट के फेंक दो इसे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे बड़े भाई का दामाद है। अगर ये दामाद है तो ले जाकर इसकी डबल खातिरदारी का इंतजाम करो। अरे वो तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। रुक जाओ। आपने क्या कहा? ये तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है, पर वो इसे पसंद ही नहीं करता। अगर वो इसे पसंद नहीं करता तो हम इसे पसंद करेंगे। ए, मेरे साथ चल। बेटी लक्ष्मी। हाँ। मेरे बच्चे, ये छोटी बहू है, ये भी हमारी पार्टी में है। दोनों परिवार को एक करने के लिए ये बेचारी भी कोशिश कर रही है। मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। हीरो, उसे पता है कि तू पिताजी को यहाँ छोड़ने आया है? अब तक तो पता लग ही गया होगा उसको। अगर नहीं लगा है तो तू खुद बता दे कि तू यहाँ आया है। जिसको हमारे संस्कार नहीं मालूम वो मेरा दामाद कैसे बनेगा? वहां जाने के बारे में उसने सोचा कैसे? उसे मालूम नहीं है जो वहां एक बार जाएगा उसके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। ये सच में गुस्सा है या अपने दामाद को भगाने का प्लान है? क्रिश तो आज गया काम से। ये क्या कर दिया क्रिश? देखो डैडी कितने नाराज है। मेरी वजह से नाराज है तो अब वो क्या करेंगे? मुझे डांटेंगे? तो चलो। क्रिश, देखो भूमि, अगर तुम्हारे पिता किसी को चाहते हैं और वो उस घर में जाता है तभी उन्हें गुस्सा आता है। अगर वो मुझसे नाराज है तो इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए भी प्यार है। इसने तो उसे फंसा लिया, अपना बना लिया। अब आगे देखते हैं। दादाजी की वजह से। जालतू जलालतू, आई बला को टालतू, उस ब्लैकमेलर के साथ अच्छा हुआ, मैंने तो उसका बोरिया बिस्तर पहना था। क्यों बे, तू तो कूली बन गया है, मुझे स्टेशन तक पहुंचाएगा? मामा का गुस्सा देखकर तो लगा कि आज तुम गए। प्रॉमिस, अब चाहो तो भूमि से पूछ लो। भूमि, हाथ से मामा की ऐसी की तैसी, जो तुम चाहो वही होगा। अब से मैं तुम्हारे पेन का इंक हूँ, जहाँ तुम रहोगे वही रहूंगा। निकल। मुझे तो लगता है कृष्ण ने उसे पहले कहा होगा। मैं नहीं मानती, भूमि ने पहले कहा होगा। क्या हुआ छोटी बुआ? अरे भूमि, तुमने अपनी लव स्टोरी तो सुनाई नहीं। लव स्टोरी है ही नहीं तो क्या सुनाऊं? बताओ। उस दिन वो मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ बरसात नहीं हो रही थी। ऐसे सीन में बारिश के बिना तो मजा ही नहीं आएगा ना। तुम वहाँ पर अकेली खड़ी थी? मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी वहाँ। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आई और उसमें क्रिश था। ए, क्रिश तो क्लर्क का बेटा है ना? हाँ है। अब कार के बगल में स्कूटर था, उस पर क्रिश था। उसने मुझे देखा और उसके बाद तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। वाह क्या कहानी है, प्यार में पहले कौन फिसला? पहले वो फिसला। ओह फिसल गया प्यार में बुआ। जब से आपको देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मगर सोना भी जरूरी है ताकि आपके सपने देख सकूं। मैं मरना चाहता हूँ।
पर आपके साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश है। अगर मना कर दिया तो मैं यही यही अपनी जान दे दूंगा। श्योर? तुमने हाँ कहा या ना? मैं मना कर देती तो वो आशिक बेचारा मर जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या क्या हुआ? आपको तो पता ही है प्यार होने के बाद क्या क्या होता है। कैसे हो दादाजी? क्रिश। नमस्ते। आओ मेरे बच्चे आओ। देखो ना, पैसों की कोई कीमत ही नहीं रह गई आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे हो ना क्या था, कोई बेवकूफ सुरेंद्र है जिसने 4,000 करोड़ रुपए लगाकर एक कंपनी खरीदी। बेवकूफ मत कहिए दादाजी, बुरा लगता है। क्यों, आपके डैड को कोई बेवकूफ बोले तो कैसा लगेगा? भाई बोल के तो देखे। मतलब ये तुम्हारे? मेरे डैड हैं। सॉरी ना। तो क्या, ला वो मेरे 500 रुपए वापस कर ला। क्या हुआ पिताजी, आप इससे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो? वो हुआ ऐसा कि इसने मुझे शतरंज में हराने का चैलेंज किया था, तो मैंने भी इससे 500 रुपए की बेट लगा ली। पिताजी को हराना बहुत आसान है, मेरे साथ खेल। नमस्ते। इसकी पढ़ाई कैसे चल रही चाचा? आपका आशीर्वाद है। और बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? अंकल MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। देख मैं ये सब नहीं जानता क्या होता है, पर मेहनत जरूर करना बेटा। चाचा की जिंदगी भर की उम्मीद तुम पर आकर टिक गई है, चल। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मजदूर के बेटे को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, फिर अपने ही भाई से इतना गुस्सा? कौन सा भाई? वो आदमी जो आप ही की तरह इन्हें अपना पिता मानता है, जो इन्हें आपके पास भेजता है, आपका बड़ा भाई। वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ इनका बेटा है। जबकि हम में एक ही बाप का खून बह रहा है, फिर भी वो दूसरों के भड़काने में आकर पता है मुझे क्या समझता है? नाजायज, ना कि अपना भाई। उसने सगे रिश्तेदारों के होते हुए बचपन में मुझे अनाथों की तरह पलने पर मजबूर किया, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एक खुशहाल और बड़े परिवार की बहू बनना था उसे, लेकिन टोली से उतरने के बाद उसका आरती से स्वागत करने के बजाय उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस पूरी दुनिया में इसका इकलौता रिश्तेदार मैं हूं। हर 6 महीने में यहां आने वाले मेरे पिता हैं, और ये गांव है जो मेरे साथ खड़ा है, और कोई नहीं। भैया वो कमीना इसी बस में है। बुढ़े ने कहा है कि मारना कम और खसीटना ज्यादा, लेकिन याद रखना कि वो जिंदा ना रहे। मामला गांव की लड़ाई का लगना चाहिए। Yeah!
गाड़ी रिवर्स में ले वरना ये मार डालेगा। कहाँ जा, पीछे तो खाई है। सब लोग गाड़ी से उतरो और अपनी जान बचाओ। तुम पर हमला किसने करवाया? मुझे आप पर शक है। आपकी इजाजत के बगैर वो मुझे छू भी नहीं सकते। इस हमले के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जानता हूं। ये सब जानने के बाद भी तुम अभी तक यहां टिके हुए हो, तुम्हें कितना चाहिए? मेरी बेटी का पीछा छोड़ने का कितना माल लोगे? वही लूंगा जो आप अपनी बेटी को चाहने का। सेम रेट। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। उस गुंडे में क्या पसंद आया? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिजूल की बातें मैं नहीं सुनता। ट्राई तो कर लिया। अब ये सब बताकर मेरी प्यारी बेटी की सिंपति मत लेना। सर, सिंपति तो तब लूंगा जब आप मुझे पिटवाएंगे। उन्हें तो मैंने पीटा। तुम पर आज जो हमला हुआ वो डैड ने करवाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अब बहुत हुआ क्रिश, तुम जाओ, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, प्लीज। तुम मेरे विश्वास का सहारा लेकर यहाँ आई थी। जब वो विश्वास तुम में आ जाएगा तब मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, लोगों को तो तुमने बदल दिया है पर वो डैडी का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर डैडी बदल भी गए फिर भी वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पापा बदले और मुझसे नफरत करें। तुमने तो कहा था अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं। इंदु तो मुझे मार डालेगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि हैप्पी टाइम में खुश रहना चाहिए, तो देखो मैं खुश हूँ तुम्हारी वजह से। जहाँ तुम रहते हो वहाँ खुशी रहती है। तुम्हारे यहाँ आने से ये वृंदावन खिल उठा है। तो दूसरे गांव का लड़का है। ये उस गांव का है, हमारे गांव की लड़की को भगा कर लेके जा रहा था। क्या इससे प्यार करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? ऐसा था तो माँ बाप को बताकर शादी कर लेती, भागने की क्या जरूरत थी? अगर बता दिया होता तो ये दिन ही नहीं आता, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसी वजह से ये दोनों भाग रहे थे। ए, इन दोनों गांव की दुश्मनी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। ए, तुझे उस गांव से जलन क्यों होती है?
ए, आखिर वहां के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दो लोगों की आपसी दुश्मनी को तुम लोगों ने गांव भर की दुश्मनी बना दिया। दोनों गांव के जो बच्चे हैं इस झगड़े की वजह भी नहीं जानते। तुम ये भूल कैसे गए? तुम यही पैदा हुए, इसी गांव में बड़े हुए हो, लेकिन यहां प्यार करने वाला नहीं बदला लेने वाला मर्द होता है, नफरत करने वाला महान होता है। अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे बीच में उनकी मां आ जाए या चाहे उनका बाप। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम उस गांव के हो। चलो भैया, वो से लेकर जा रहा है, दोबारा हाथ नहीं आएगा। आप बोले तो साले को चीनी डालेंगे। कौन बोला? कौन बोला बे? कौन है जो इसे चीनी डालेगा? पूरा गांव एक तरफ और मैं अकेला इसके साथ। जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो बस इसे छू कर बताए। आओ। मैं इसे ले जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। मुझे खबर मिली है कि उन लोगों ने मेरे गांव के एक बच्चे को पीटा है। रास्ता छोड़। रवि, मेरा बेटा, कितना मारा है तुझे। उस गांव के जिस आदमी ने भी तुझे हाथ लगाया है उन सब के हाथ उनके धड़ों से अलग कर दूंगा रवि। बस इतना ही? आप उन्हें जान से नहीं मारेंगे? आज इसके साथ जो हुआ उसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, आप भी हैं। तो आपकी सजा क्या है? आपने एक बड़े भाई की तरह इसे पढ़ाया है, इसे संभाला है, पर इसने भागने की बात आपको नहीं बताई। क्या इस डर की वजह जानते हैं? आपने इसका साथ दिया हर मुश्किल में, पर प्यार के मामले में आप इसका साथ नहीं देंगे, ये बात इसे पता है। याद है आपने क्या कहा था? इसे जिंदगी में जो चाहिए वो इसे जरूर मिलेगा, पर आज ये आपके सामने अपना प्यार उस गांव में हार कर आया है। अब ये क्या कर पाएगा? और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपका इस पर पूरा हक बनता है। अब इसे डुबाना है या उभारना है, ये आपका फैसला है। ये किसी भी हालत में हमारा दामाद बनने लायक नहीं है। ऐसे लड़के को प्यार करती हो? हाँ, भूल जाओ उसे। मर्द बनता है तू? हाँ, माचो मैन, तुझे मर्दानगी दिखाने को मेरा ही गांव मिला था। 25 साल पुरानी दुश्मनी को चुटकी में बदलेगा, इतना महान है तू? अब तक तेरे टुकड़े हो गए होते अगर तू मेरे घर पर मेहमान ना होता। मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूं फिर भी मेरे घर की रोटी खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अपने प्यार भरे दो मीठे बोल बोलकर तूने मेरी भोली भाली बेटी को फुसला दिया होगा, पर मेरा और इस घर का दामाद बनने के लिए सिर्फ ये लड़की तुझे पसंद करे ये काफी नहीं है। फूफा पसंद करे, चाचा भी पसंद करे, बुआ पसंद करे, मैं पसंद करूं, तब तू दामाद बनेगा इस घर का। पर यहां पर तुझे कोई नहीं चाहता, कोई तुझे पसंद नहीं करता। एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मर जाएगी? जैसे ही तू यहां से जाएगा 4 दिनों में ही ये अपने परिवार के प्यार में तेरे प्यार को पूरी तरह से भूल जाएगी। कान खोल के सुन, मैं यहां के गांव का, घर का, सबका मुखिया हूं। इस घर का दामाद और मेरा उत्तराधिकारी वो होगा जो मेरी शान को बरकरार रखेगा, ना कि तेरे जैसा घटिया चालाक। भानो, भानो। अब बस करो। ये गांव क्या सोचता, तुम उसकी बात करते हो, बस घर के बारे में कभी सोचा? तुमने दुश्मनी की बात की और हमने इसे अपने सर आंखों पर रखा। तुम
मर्दानगी और मानता की बात ना ही करो तो अच्छा है। तुम ही ने उसको यहाँ गांव में बुलवाया और फिर से पिटवाया। वो फिर भी हंसता रहा और हमें प्रेम की भाषा सिखाता रहा। इसे महानता कहते हैं साले साहब। तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे इसने चुटकी में मसल दिए, सबको मार भगाया। इसे कहते हैं मर्दानगी। प्लीज आप चुप हो जाइए। आज चुप नहीं रहूंगा। क्यों जी, मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो, पर अब मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। इज्जत और अभिमान से जीने की हिम्मत इस लड़के ने हमें दी है साले साहब। हाँ, इस लड़के ने। ये बताओ, वो जैसा कामचोर दामाद बन सकता है, ये दामाद बन सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हारी नजर में वो गुंडा भी दामाद बनने के लायक है, पर जो इस घर में इतनी खुशियाँ लाया है ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने के लायक नहीं। ऐसा क्यों भैया? ये तो कहना मुश्किल है कि भूमि इस परिवार के प्यार में इसे भूलेगी या नहीं, लेकिन हमें जिसने मोहब्बत की भाषा सिखाई उसे नहीं भूलेंगे हम। पूरा गांव क्या सोचता है उसकी हमें परवाह नहीं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। एक बात तो बिल्कुल सही है, भूमि के लिए इससे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। सर, अब आप इन लोगों की बातें मत सुनिए। ये लोग तो मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस कर ये। आज तक मैं सोचता था कि ये प्यार और अपनेपन की वजह से मेरी इज्जत करते हैं, पर तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि वो प्यार नहीं डर। सर, मैं सिर्फ नफरत की भाषा बोलता रहा इस डर से कि कहीं इसे प्यार न कर बैठे। बचपन से ही मुझे बाप का प्यार नहीं मिला। सोचा था मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है, पर वो भी 2 साल में चली गई। उसके बाद यही मेरी जिंदगी है, यही संसार है, पर मैं उससे ये कह नहीं सका। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। प्यार से बात करना तो मैं भूल ही गया हूं। मैं अपनी बहनों से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए उनके पतियों को घर जमाई बना लिया। जब पता चला ये तुमसे प्यार करती है तो मुझे लगा कि मेरा संसार टूटकर बिखर जाएगा। अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा। उसे यहां रखने का स्वार्थ था जो मैंने उसकी शादी अपने गांव वाले से तय कर दी। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें इससे दूर भगा देना चाहता था। सारे घर वालों के सामने मैं तुम्हें हराना चाहता था, पर तुम जीत गए। सर, मैं हार गया, हार गया। इधर, इधर। मैंने तो इसके बॉयफ्रेंड को बुलाया था, पर ये तो इस घर का दामाद ले आई। हो रही थी। I love you, Krish. तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए। Krish, तुम चले जाओ। वही हुआ जिस बात का डर था हमें, जो नहीं सोचा था। मेरे डैडी तुम्हें चाहने लगे हैं। डैडी के मुंह से अपने लिए प्यार के 2 शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई थी। आज उन्होंने पहली बार कहा कि मैं उनकी दुनिया हूँ। इतना काफी है क्रिश। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से खुद को और तकलीफ दो।
तुम जाओ। अगर अभी चला गया तो तुम्हारे पापा को धोखा देने जैसा होगा। अभी या बाद में मुझे जाना तो है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारे सारे रिश्तेदार जिन्होंने तुम्हारे पापा के खिलाफ होकर मेरा साथ दिया, मेरी वजह से उनका विश्वास टूटेगा और तुम्हें जिंदगी भर अपने पापा से शर्मिंदा होकर जीना पड़ेगा। सब ठीक होता अगर वो मुझसे नफरत करते तो उन्हें सच बता देते। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब जो भी होगा संभाल लेंगे, उम्मीद तो कम है कि वो हमारी बात समझ पाएंगे। फिर भी पहली बार मैं अपना वादा नहीं निभा पा रहा हूं, मैं फंस गया। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। लेकिन तुमने तो मुझे जबान दी थी, अपना किया हुआ वादा तुम कैसे भूल गए भानु? जब वादा किया था तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। भूमि ने अपना फैसला कर लिया है, अगर तुम्हारे साथ शादी हुई तो वो खुश नहीं रहेगी और ना ही तुम खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए? वही ना जो हर लड़की की तमन्ना होती है, उसका बदन गहनों से सजा दूंगा, 1 महीने में उसके पाव भारी कर दूंगा और 9 महीनों बाद तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में होगा, और अगर उसने अपना मुंह काला कर दिया है तो उसे मार दूंगा। अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दे कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ। मैंने उसे बचपन से चाहा है, मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। साले तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे इनकार कर देगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही इस वक्त मेरे दिमाग में भी चल रहा है। खत्म कर दूंगा। आइंदा इस घर के किसी भी आदमी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो खाने और धोने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचेगा। सुन, तेरे बेटे ने मेरे गिरेबान में हाथ डाला फिर भी तू देखता रहा। अब समझा, जो मेरे अपने थे वो तो पराए निकले और जो पराया था वो मेरा अपना निकला। अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा बेटा मेरी जायदाद का वारिस बनेगा, तो अब तुम सुन लो, आज से ये लड़का मेरा वारिस होगा, ये मेरा दामाद होगा। एक अजनबी पर भरोसा करके मुझसे दुश्मनी करने के लिए तैयार हो गए? सिर्फ तुम पर भरोसा करके मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। इस लड़के ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की क्या पहचान है। मैं अभी उसके घर जा रहा हूं, आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगा और उसको इस घर में ले आऊंगा। ए, गाड़ियां निकालो। सामने कोई मुखिया नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। आ,
सुना सबने, इन्होंने मुझे भाई बोला। चलो उल्लास मन का तुम दिखाई दो, आकाश तक पहुंचा के बरसाई दो, जीवन खुशियों से भरा जिए चलो। नंद गोपाल आया सारे चलो, जिंदगी के रंगों से तुम खेल लो, इंद्रधनुषी हंसी मुस्काई लो, ऐसा समा है कभी देखा बोलो। ढोला ढोल बजाता ढोल बाल कृष्ण आया रे, ढोला ढोल बजाता ढोल वृंदावन बनाया रे, ढोला ढोल बजाता ढोल लीला कृष्ण की छाई रे, ढोला ढोल बजाता ढोल सबका मान बढ़ाया रे। सब कुछ बस प्रेम की सरगम, जीवन है त्योहार सा अपनों से ये है बड़ा, एक हुए हैं आज दोनों हो गया संगम। परिपूर्ण गीता सुर है तेरा, दिल सबका जीता ये जादू तेरा। ढोला ढोल बजाता ढोल गीता कृष्ण सच्चा रे, ढोला ढोल बजाता ढोल हमसे हाथ मिलाया रे, ढोल बजाता ढोल बंसी कृष्ण बजाया रे, ढोल बजाता ढोल ये है पर्व हमारा रे। समझ है हम न जाने दिल में रहता तू, अपनों के जो संग है तू, मान खुद को धन्य तू, ना कोई धनवान तुझसे जान ले ये तू। खुशियां पहरे जो है साधु, जो हम साथ हो ले बाने वृंदावन। ढोला ढोल बजाता ढोल मिले कृष्ण आया रे, ढोला ढोल बजाता ढोल सब पे रंग जमाया रे, राधा कृष्ण सच्चा रे, ढोल बजाता ढोल आज मंगल आया रे। पूरा गांव एक रे, अब कोई हमें ना रोके रे, वो आया रे। Thank you.
भैया मेरी बेटी आई है। ये लक्ष्मी के बहन की लड़की है और हमने इसे गोद लिया है। अब ये मेरी सगी बेटी है, मेरी जिंदगी है। कृष्णा हाँ इधर आ। बेटा इस घर का दामाद है ये क्रिश। इंदु ये तुम्हारी बहन भूमि। पता नहीं ये भूमि को कहां मिल गया, हीरा है ये। तुम ये खुशियां जो देख रही हो ना इसी का जादू है। कृष्णा भूमि के साथ तुम्हारी सगाई इसी हफ्ते होगी। शौक लगा? बुरा मत मानना जो तुमसे पूछे बगैर हमने फैसला कर लिया। इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी करवा दें। अपने पेरेंट्स को बुला लो। बहुत हुआ क्रिश, सोचा था तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी घर वालों की नजरों से बचाते हुए तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन हम अपने ही बनाए हुए जाल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। नहीं क्रिश, मैं डैडी को सब सच बता दूंगी। ये मुमकिन नहीं। लेकिन वो सगाई की बात कर रहे हैं क्रिश। पर वो शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? अगर तुम उन्हें सच बता भी दो और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएं, तो चलो अभी बता देते हैं। भूमि तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, दोनों परिवार बहुत खुश है, दोनों गांव बहुत खुश है। अगर तुमने सच बता दिया तो सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। भूमि ये नाटक उनकी खुशियों के लिए शुरू हुआ था, इसे इस तरह से खत्म करना ठीक नहीं होगा। भूमि क्या कहते हो, मैं सही हूँ ना? अरे क्या सोच रहे हो? अब क्या करूँ, पहले सोच रहा था पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर मार के आया हूँ। अरे यार किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो, नहीं जानती थी ये तुम्हारी बहन है? हा? यार कसम से मुझे नहीं पता था ये किस परिवार से है। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें इसके साथ भेजती? अरे यार मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था, कहाँ लाकर मुझे फंसा दिया। अब तुम्हारे बाप को मैं, बाप रे बाप, मेरा बाप। हाँ डैड एंजॉय तो कर रहे ना? एंजॉय? अरे एंजॉय तो ऐसा कर रहा हूँ डैड, जिंदगी में कभी किसी ट्रिप पर मैंने इतना एंजॉय नहीं किया है। वैसे कहाँ हो तुम? नायग्रा वॉटरफॉल्स देख रहा हूँ डैड। जल्दी से घर आ जाओ। आता हूँ डैड। अरे हाँ उन्होंने तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी यहाँ बुलाया है, अब क्या करोगे? मेरा तो भेजा फ्राई हो गया है। एक आइडिया है मेरे पास, तुम्हारी तरह तुम्हारे पेरेंट्स को भी भाड़े पर ले आते हैं। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आते कहाँ से, जितना किया कम नहीं था? यही है मेरे डैड। गले लग जा। मेरे दोनों बाप। तू कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना, मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड, कम ऑन डैडी, गोली सामान ले। डैडी डैडी
नमस्ते, आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी, यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले छोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ, हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। चुप रहे। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बहुत बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है। देख मेरा जादू, इसकी पूछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है, मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस। अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुलाना। तू वो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसके क्या बेसात। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तेरी शक्ल पे बारा क्यों बज रहे? चले। हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ। वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाप हो तो क्या हुआ? हा? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट, यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप, सॉरी शहनशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा किया। शहनशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आर्टिस्ट की इज्जत करो। सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए, सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो, तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना, कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा। अरे जीजा जी, सगाई की तारीख नजदीक आ गई है, इन सब लोगों को शहर ले जाकर जरा कुछ कपड़े लत्ते दिलवा दीजिए। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। तुझे लाइसेंस किसने दिया स्टूपिड? उसने भाई की चुम्मी ली। दोनों की शादी होने वाली है, चुम्मी ली तो क्या हुआ? ये चुम्मी बाई वाली ने नहीं, दाई वाली ने ली। तुम्हें कैसे पता चला? शीशे में देखा। शीशे में दाया बाया और बाया दाया होता है, वाकई स्टूपिड है। चल आगे बढ़। अरे भैया, मैं तो घबरा गया था। अच्छा वो बाएं से चुम्मी आई, अगर दाएं से चुम्मी आती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उसका बाप तो टार्जन का भी बाप है। ये दाया माया भूल जा, तूने उस शीशे में किसे देखा था? वही तो मुझसे गलती, मैंने इंदु को देखा था। वो सच में इंदु ही थी। तू सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी कृष्णा है। भूमि और इंदु डर नहीं लगता? मैं फिक्र क्यों करूं, तू है ना संभालने के लिए। तुमने तो मुझे बलि का बकरा बना रखा है। गधा नहीं मिला ना इसलिए। लेफ्ट साइड वाली निकालो, बहू के लिए कितनी चाहिए? 2 ही लेनी है। ओके बीवी। क्या है बीवी? बोलिए जी। तुम 20 ले लो। जैसा आप कहें स्वामी। क्या देख रहे हो, क्या हुआ बता, दूल्हे के लिए कितना ले? कृष्णा से ले। उसका बाप हो, मुझसे पूछो, ये नहीं मैं बताऊंगा। उसके लिए 3 ले लो। तो आपके लिए 30। तुम ऐसा करोगे तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। यार दूल्हा मैं नहीं, वो है। तुमने एक गलती पर मेरी बैंड बजाई थी, इस कमीने का क्या होगा? ये कितने की है मौसी? मौसी, अरे चिल्ला क्यों रही हो? मौसी, ये साड़ी कैसी लग रही है?
इस साड़ी की जरी अच्छी है ना? साड़ी तो अच्छी है, पहनने वाली खराब लग रही है। तुम्हें कैसे पता क्रिश? तुम्हारी बातों से लगता है कि पुरानी पहचान है। भैया ऐसे ही है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया। ये तो भैया की आदत है, चोट। किसी को कुछ बोलना हो बगैर सोचे मुंह पर बोल देते हैं। ये कपड़े को खराब बोलने की बजाय तुम्हें बोल बैठे है ना भैया। तुम साड़ी के बारे में पूछ रही थी, ये साड़ी बहुत ही बुरी है इंदु, तुम इसमें बिल्कुल ही डायन लगोगी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ दोस्त। ये पैकेट किनारे कर दो। इसकी तो क्या हुआ डैडी? यस डैडी, चल जाके इसे ट्राई कर। लड़के के लिए अभी आप ही लेंगे? पड़ोसी का नहीं, मेरा बेटा है। सिलेक्शन मैंने किया है और पहनेगा ये। डायपर के टाइम से यही चल रहा है। तो यार चलो डैडी। ओ तेरी तो, तुम यहाँ क्यों घुस रही हो? तुम्हारी तो क्या कह रहे थे, पहनने वाली खराब लगेगी। क्या रे, एसी में पसीने छूट रहे, पेट में गड़बड़े। सॉरी डैडी, मैं ट्राई करके आता हूँ, बस एक मिनट दीजिए। अब पता चला मेरे चेहरे पे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? मेरे पसीने कहीं और से छूट रहे हैं। तुमने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अंडरवेयर टाइट कर लो। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेंशन हो गया। ओके। अभी तक गाड़ियां चालू क्यों नहीं हुई यार? अरे गाड़ियों को छोड़, उसने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार बच गया तो क्या हुआ, बार बार नहीं बचेगा। इस बार तो उसे सबक सिखा के रहेंगे। भैया, क्या वो निकल गए? भाभी पहली गाड़ी में है, वो जैसे ही निकलते हैं मैं आपको फोन कर दूंगा। अरे 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 अरे। ऐसा लगता है भूत देखकर भाग रहा है। भैया हमारे लिए कफन का इंतजाम करके रखिएगा, और आपका भी टाइम आने वाला है। अरे यहाँ पर आ। मेरे पीछे आपने साइलेंट मूवी चला दी और मुझे पता भी नहीं चला, कैसे? है मुझे कुछ तो गलती हुई है गिनती में, एक अभी भी बच गया है। तुम लोगों को कहीं मिला वो बदमाश लड़का? घर मिल गया पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। भैया अब हम क्या करें? अच्छा तो एक काम कर, उसके अम्मा और बाबूजी को उठा ला, लड़का खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। भैया उसका बाप लगता है बहुत बड़ा तोप है। अरे वो मुझसे भी बड़ा तोप है क्या बे? भैया आप उसके सामने फिसलती बम है। तू मेरा आदमी है कि उसका? भैया छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है? भैया
उठा लाया पहलवान को। अबे ओ उजड़े चमन, क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं, माफी मांग इनसे। सॉरी समधी जी। समधी जी बैठिए ना। मैं समधी? और मुझे पता भी नहीं चला। बेटा इंदु, आपने बुलाया? अंकल आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हें इन्हीं के लड़के ने धोखा दिया और फरार हो गया ना? What? फरार नहीं हुआ है मेरा बेटा, वो तो वर्ल्ड टूर पर गया हुआ है। हाँ, वर्ल्ड टूर। हाँ। उस उल्लू के पट्टे ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है, वो अमेरिका में हो या झुमरी तलैया में, जब तक वो लौटता नहीं आपको यहीं रहना है। यहीं रहना है? This is not fair, man. Fair भी, fair and lovely भी। बॉडी तो है पर हिम्मत नहीं। अरे तुम क्या उसे बहादुर बनाओगे, साला कुतुब मीनार की औलाद। बहादुरी देखनी है आपको तो इनके लड़के को देखना चाहिए। शेर है, शेर है वो लड़का, उसे जरा यहाँ तो बुलाइए। जरा जल्दी करा। ओह नो। यस डैडी। तुम्हारे भूले बिसरे चाचा आए हैं, उनको नमस्कार करो। ठीक है डैडी, नमस्कार। अरे कृष्णा, स्टैचू क्यों बन गया? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? वो झोपड़पट्टी में रहते तो क्या हुआ, तेरे बाप से बड़े हैं। नमस्कार कर। नमस्ते अंकल। ये क्या डैड, आपको यही जगह मिली थी, एक फोन तो किया होता। अच्छा यार, वर्ल्ड टूर पर गए थे ना तुम? साउथ अफ्रीका में तुम नाइग्रा फॉल देखने में बिजी थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कैसे करता? और हाँ, तुमने तो नए मम्मी डैडी भी सेट कर लिए हैं। वाह। सॉरी डैड, मैंने झूठ बोला, आई एम सॉरी। पर आपने भी तो अपनी जवानी में यही करने का सोचा होगा, आप नहीं कर पाए तो मैंने कर दिया। ए पागल है क्या, मैंने कभी अपने मॉम डैड से झूठ बोलने का नहीं सोचा। तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? चलो फ्लैशबैक। तो मॉम यही थी कहानी। अंकल भूमि। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस जाएंगे। I'm so sorry. तुम गलत नहीं हो, मैं जानती हूँ, वरना मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो कभी भी गलत लोगों की मदद नहीं करता। मेरी मॉम पूरी मुझ पर गई है, जरा इन्हें भी समझाओ ना, मुंह लटकाए बैठे। क्या बात है, गंगू तेली राजा भोज बन गया। मॉम ये क्या हाल बनाया नौकरों जैसा? तो क्या? अरे बेटा, उन्होंने जब उठाया तो सामान बांधने का भी टाइम नहीं दिया। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा मुझे सात समुंदर पार की सैर कराने ले जाएगा, पर तुमने तो हमें इन जानवरों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। हेलो हेलो। फोन तो बजा ही नहीं। क्या बे, मुझे लगता है मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है। हाँ, पिछले साल तू कुश्ती लड़ने आया था ना। मैं एक आम इंसान हूँ। यह सब पागल है। मुझे तो लगा पहलवान है। हाँ, बहुत मजा आया सच में। बोलिए ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पूरा परिवार साथ होगा। अरे अगर ये होनहार लड़का पहले यहाँ आ गया होता तो हम कभी अलग ही ना होते। अरे आप तो बहुत बड़ी तोप निकले। भैया आप सबसे बड़े तोप हो। अबे ओ, जब मैं तोप होकर कह रहा हूँ कि वो बड़ी तोप है तो फिर तुझ में बम क्यों फूट रहा है? दिवाली है क्या? गलती हो गई भैया। बेटी ये लोग इसके बारे में कितनी तारीफ कर रहे हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताओगी? बताओ इंदु। मेरे बॉयफ्रेंड को इससे क्या कंपेयर करते हो मौसी? मेरा वाला तो किलर है। वो किलर और तुम शिकार, खूब जमेगा हम जब मिल बैठेंगे यार। अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉलेज में पता नहीं कितने लवर्स को मिलवाया है, वो असली मर्द है।
पता है वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। पता नहीं वो कब यहाँ पर आएगा और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाएगा। भूमि, उसका लवर यहाँ नहीं है फिर भी वो तारीफ कर रही है। तुम्हारा क्रिश तो सामने बैठा है, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ बता दे, क्रिश भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था? रहने दे इंदु, अपने बॉयफ्रेंड की मेरे बॉयफ्रेंड से बराबरी मत कर। तेरा वाला सिर्फ लवर्स को मिलवाता है, पर मेरे वाले ने दो परिवार मिला दिए, दो गांवों को मिला दिया। मेरा वाला मेरी खुशी के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। दूसरों के बॉयफ्रेंड्स तो कुछ पल की खुशी देते हैं, या हो सकता है कुछ दिनों की खुशी, लेकिन कृष्ण ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में मुझे इतनी ज्यादा खुशी कभी मिल भी सकती है। थैंक्स क्रिश। अंकल, वो उसके बारे में इतना कुछ कह गई, आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? उसकी तारीफ मैं क्या करूं, वो तो सुपरमैन है। तेरा बेटा अगर सुपरमैन है तो मेरा बेटा शक्तिमैन है। अगर अपने भगोड़े लड़के के लिए तुम इतनी तारीफ करोगे तो मैं अपने हैंडसम बेटे की तारीफ क्यों ना करूं? बोलती क्यों बंद हो गई? सांप सुन गया क्या? डैडी चुप हो जाइए। डैडी चुप कर, बच्चे पैदा करना मुश्किल नहीं है, आधे घंटे की मेहनत है। सन्नी जैसा बच्चा चाहिए जो गड्डी लेकर निकलता है और लोगों के हैंड पंप उखाड़ लाता है, स्टार जैसा गदर फैलाता है। आई लव माय चाइल्ड। करोड़ों रुपए बेकार है जब बच्चा गधा निकले। डैडी बड़ों के बीच में नहीं बोलते, दुश्मन की बचाने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए जो मेरे बेटे में है। डैडी क्या कर रहे हैं? पर व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं, एकदम खोचू। अंकल आप नहीं जानते आपके फ्यूचर में क्या होगा। अंकल मेरे फ्यूचर की तुम चिंता मत करो, वो तो इसके हाथ में है, ये सो स्ट्रांग। डैडी सोने चले, मुझे नींद आ रही है, बम फूटेगा। ठीक है। अरे समधी जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत है, आपका बेटा तो अभी भी आपके साथ ही सोता है। दैट इज माय सन, सन्नी का बाप। चलो डैड, चलो बाय बाय। जानी एक्टिंग देखी मेरी, हमने कैसे उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है। अभी मैं वहां था, यहाँ आ गया, क्या जमीन खिसक गई? उनके पीछे क्यों पड़ा है तू? साले जूनियर आर्टिस्ट, उनकी कमर तक तो पहुंच नहीं पाता, उसका एक लाफा पड़ेगा ना तो जिंदगी भर के लिए पॉटी बंद हो जाएगी। मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की यार, बड़ा पर्दा होता तो लोग चिल्लर फेंकते। अक्ल नहीं है तुझमें, तूने मुझे गाली दी। ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने तो उसके बेटे को गाली दी। वो बेटा मैं ही हूँ। बेचारा गया काम से। माँ क्या कह रहा था? मुझे याद है तूने मुझे भगोड़ा कहा था ना, पकोड़े की औलाद। तूने कुछ कैपेसिटी की बात, इतने डिटेल में क्यों जा रहे हो? हर लाइन में लाफा मारोगे क्या? बाबू इसने तुम्हारे बाप को गधा और तुम्हें उल्लू कहा था। ए तू सॉरी सोना। अरे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हर लाइन पर एक लाफा खाने को तैयार हो जा। क्यों सर, खातिरदारी में कमी तो नहीं रही? आप तो सब कुछ जानते थे ना सर, आपको बताना चाहिए था, वो आपका बेटा है। भाई साहब आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान? रात को जो उसने बजाना शुरू किया, एक मिनट के लिए भी म्यूजिक नहीं रुकी, दोनों तबले का तक धिना धिन हो गया। अरे संधि जी, रात को तो आपने अपने बेटे को मस्त लोरी सुनाई। और क्या, बचपन से वही किया। रात को तो आप काफी जोश में बात कर रहे थे। प्लीज उसकी याद मत दिलाइए। अरे क्या क्या डायलॉग मार रहे थे आप, दोबारा सुनाइए तो। छोड़ो ना यार, रात गई बात गई। ठीक है नाश्ते पर मिलते हैं। मुझे एक डाउट है, क्या होगा अगर मेरी ओवर एक्टिंग पकड़ी गई तो? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर सोचो आपका क्या होगा।
आप ये ट्राई कीजिए। तू कहाँ खड़ी हुई है? चुपचाप बैठी है। चूड़ियाँ ट्राई करना। मॉम, ये लाल वाली अच्छी है, जरा ट्राई करो। रेड और ग्रीन साड़ी है ना, उसके साथ। सुनिए, आपका बेटा जानता है आप पर क्या सूट करेगा। इधर आओ। आओ ना। गुस्से में सीढ़ी कैसे निकालूं? अरे चिट्टी, क्या तुम्हारे जुलाब बंद हुए? अब भी आउटगोइंग पर कंट्रोल हुआ है। तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो फिर शुरू हो जाएंगे। चल मैं दवाई देता हूँ। मुझे दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। बताओ। क्या बताऊँ, जब से तुमने वो सीढ़ी बनाई मेरी जवानी ढल गई है। तू नहीं रे, तो दाई तरफ देख। हाय। जल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। क्यों हीरो, तुम और भूमि आजकल काफी क्लोज होते जा रहे हो। ए चिट्टी। हाँ? क्या तुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है? रोज सुबह हल्का होने जाता हूँ तो बहुत जलन होती है और बदबू भी आती है। कल रात वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे तो वो भी कर रही थी। हे भगवान, वो पहलवान यहाँ ना आ जाए। अगर वो यहाँ गया तो हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। मैं तो कहता हूँ निकल 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 यहाँ से। अरे दामाद जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं, हम बस सोच रहे थे कि कितने बच्चे पैदा करें, 2-4 या हम दोनों के मिला के 11। क्रिकेट टीम। अबे ओ बुजदिल, मैंने तुझसे नहीं पूछा है। नमाज जी, इंदु कहीं दिखी क्या? कबूतरी जा जा जा, कबूतरी जा जा जा, यहाँ रह के हम दोनों का वादा मत करवा। मामा, हम दोनों को इंदु के बारे में कुछ नहीं पता। पल उतार के मारूंगा। अबे पागल हो गया क्या? तुझसे किसने पूछा बे? दिमाग का दही करता है। इंदु तो आपके पीछे खड़ी है मामा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? वो लोग चूड़ियां खरीद रहे हैं वहाँ, तू भी जाके खरीदना। दामाद जी, अगर आप इसके साथ रहिएगा ना तो ये आपको भी पागल बना देगा। पागल तो आप हो जाओगे जब आपको भी असलियत का पता चल जाएगा। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है चाचा। मैंने कहा था ना आपको कि वो तरक्की करेगा, पुलिस ऑफिसर बन गया। मुबारक मुबारक। समधी जी, आपके चेहरे पर तो बड़ी टेंशन दिख रही है, क्या हुआ क्या? समधी जी, मेरा एक पुराना फ्रेंड है तो उसमें एक बुरी आदत है भलाई करने की। मजबूर लवर के हेल्प करने के लिए बेचारा दुल्हन के घर चला गया, वो भी दूल्हे का बाप बनकर। दुल्हन की फैमिली जल्लाद फैमिली है। अब उसको लग रहा है कि कभी भी उसकी पोल खुल सकती है। आपको क्या लगता है सर, क्या होगा? काट डालेंगे। काट डालेंगे? हाँ काट डालेंगे। करेक्ट, काटने चाहिए, जल्लादों की फैमिली जो ठहरी। पर हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा ही ना होगा। फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर डोंट किल ईच अदर। आपको क्या ये टीवी सीरियल लगता है? अगर यहाँ कोई ऐसा करेगा तो उसकी टांगे लकड़ी की तरह काट डालूंगा और खोपड़ी खरबूजे जैसे फोड़ डालूंगा। लग गए। जानते हैं ऐसा करके उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। गधा गधा है भाई वो, अपनी किस्मत उसने यमराज से लिखवाई है। इतनी रात को कहाँ चले? ये भी साला भूत है, अब क्या होगा? ये सामान वामान बांध के आप कहाँ जा रहे हैं समधी जी? ऑफिस, ऑफिस से कॉल आई थी, अर्जेंट है, जल्दी में हूँ। गलती हो गई क्या मुझसे? किसी ने कुछ कहा क्या? उसका नाम बताया, उसे लकड़ी जैसा काट डालूंगा। मम्मी, काट डालूंगा काट डालूंगा। पिछले जन्म में कसाई थे क्या तुम? अच्छा, कृष्णा ये जानता है कि आप जा रहे हैं? वो मुझे बहुत चाहता है, जाने नहीं देगा इसलिए नहीं बताया। कहाँ जा रहे हो डैड? मुझे बिना बताए चुपचाप जा रहे हो डैडी? इसकी तो। दमाजी सुनिए, डैडी नाराज लगते हैं, रूम में ले जाकर समझाइए। रूम में क्यों जाऊं, यहीं पर समझाओ ना। चलो ना डैडी। मर गए। चलो ना। दमाजी जरा ठीक से समझाइए इन्हें, और ऐसा समझाइए कि यहाँ से जाने के लिए दोबारा ना सोचे। नाइट शो शुरू करें। और कोई चारा नहीं है? नहीं है डैडी। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दूं? ये कृष्णा तो सच में जादूगर है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बड़ी जल्दी समझा दिया आपने दामाद जी। अरे जल्दी कहा, ये तो कई दिनों से समझा रहा है, मैं ही समझ नहीं पा रहा था। दामाद जी इनके साथ ही सोइए, हो सकता है कई बार समझाना पड़े। अरे सुन, अबे सुनना है,
है तो नहीं, पर लगता है कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? आपने इन्हें न्यूज़पेपर में देखा है, 4,000 करोड़ लगा के दुबई में कंपनी खरीदी, इतना बड़ा आर्टिकल आया था, वही गधा है ये। हाँ, ये गधा। इसका मतलब मेरे डैडी। मतलब तुम ही इंदू के बॉयफ्रेंड हो? वही जो उसे धोखा देकर भाग गया। ये सुनकर आपको अपनी नानी याद आ रही है, तो एक बार सोचिए मेरी क्या हालत हो रही है। ये गड़बड़ घोटाला आपका मचाया हुआ है और ये पूरी स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है। अब लिखने के लिए बचाई क्या है, मेरे रास्ते पे चलो। क्या कहा? और क्या, तुम दोनों से मुझे फंसाएगा क्या? कैसा चालू बुड्ढा है, खुद फंस गए मुझे भी फंसा रहे। आपको तुम आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अब आएगा मजा। आपका बेटा कब आएगा? वो बस अब ये बच्चे हैं, प्यार में तो छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते हैं, उसे जल्दी बुला लीजिए। इंदु भी मेरी बेटी ही है, भूमि के साथ ही इंदु की भी सगाई कर देते हैं। अगर किसी ने पकड़ा तो मारूंगा। क्या हुआ डैड? जब तुमने हालात बताए थे तो इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अब क्या करोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। उन लोगों को मेरे यहाँ आने से खुशी मिली है, तो जब मैं उन लोगों को अलविदा कहूं तब भी वो लोग खुश रहने चाहिए। बस दुख इस बात का है कि आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हो रही है, यही बात मुझे खाई जा रही है। ए, जहां तू है वही हमारी खुशी है, तू साथ है तो कैसी परेशानी हूं? शीला, इतने दिनों से तेरे साथ नहीं किया रासलीला, इसलिए मेरा पूरा बॉडी पड़ गया ढीला। इसकी तो यहाँ मेरी जिंदगी वीरान पड़ी और वहां दो दो फूल खिले, फूल का माली भी आ गया। उस भौरे की तो लग गए। आपको नीचे बुला रहे? क्या? आपके भाई साहब नीचे बुला रहे हैं। शायद कुछ अर्जेंट काम है, मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए। तुमने मुझे बुलाया? नहीं मैंने नहीं, वो तो क्यों बुलाया था? मैंने तो नहीं बुलाया भैया। तो आप बुला लो ना मामा। अबे पागल, ये क्या तमाशा लगा रखा है और इस कमरे के पास क्यों खड़ा है? अंदर कमरे में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये मैं आप दोनों को नहीं बता सकता। अंदर कौन है? बता दूंगा तो पोल खुल जाएगी। अबे अर्थी के फूल, अंदर क्या छुपा रखा है बे? ये दूसरा फूल का आप खिला। कमरे के अंदर ये तीनों बातें कर रहे हैं और तू इन पे शक कर रहा है क्या? इन्हें आपको किसका इंतजार है? चुप! तुम लोग घर पर आराम से बात नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए तुम दोनों को यहाँ ले आई। आज कितने दिनों बाद भूमि को मैं इतना खुश देख रही हूँ। तुमने फिर खुजा? एक बार खुजाया था तो इतनी मुसीबत हो गई, दोबारा खुजाओगी तो मैं मर ही जाऊंगा। भूमि, 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 अच्छा!
ए, उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया और खुद अपनी बाप की लुंगी में छुप गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर किसी कमीने ने भूमि की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो बचेगा नहीं। जिसने अपनी मां का दूध पिया है सामने आए। भूमि को छूने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि उसके साथ मैं खड़ा हूं। अबे रुक क्यों गया? छू के दिखा, दिखा तेरी तू। के बारे में सोचने से पहले उस कमीने से कहना कि भूमि और उसके बीच में मैं खड़ा हूं। मुझे मेरे घर वाले पागल लगते थे जब तुम्हारे प्यार पर उन्हें यकीन हो गया था, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पागल वो नहीं मैं थी। शक करने वालों को प्यार करने का हक नहीं। सुनो बेटा, अब तक तो एक तेरा ससुर ही था, मैं उसे आसानी से पटा लेता, पर अब वो तीन है, उसका छोटा भाई और उसके ऊपर वो शहरी, एक अजनबी, बहुत मुश्किल है। भूमि को भूल जा, आज तक मैंने तेरी बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि मुझे तेरे शातिर दिमाग की बदौलत भूमि चाहिए थी, लेकिन अगर भूमि नहीं मिलेगी तो तू किस काम का? तू अब मेरा खेल देख, बस एक चाल खेलूंगा मैं, शय और मात। सुबह से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है यार। चलो आ जाओ, आशीर्वाद देना है। कहाँ चलो, लड़का झूठा लड़की झूठी, इस नकली सगाई में मैं क्यों जाऊं यार, पका मत जा। अगर तुम नहीं आओगे तो वो झूठा बेटा सचमुच में तुम्हें पीटेगा। मुझे नहीं पीटा, चल चल चल।
ये लीजिए, लीजिए ना। अब जब इनके भाई ये शगुन दे रहे हैं तो आप भी उधर जाइए ना, बाद में तो आपको भी सब लेना ही है ना। आ, सही तो है, आप आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा, प्लीज कम। ए, चले इधर चल। खुशी से आपके हाथ कांप रहे ना। अब दूल्हा दुल्हन का अंगूठी पहनाएगा। अंगूठी पहना दो। भैया अब तो दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई, क्यों नहीं शादी भी जल्दी से करवा दें? जब इतना अच्छा लड़का तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तुम्हारा पढ़ने का मन है ना, तो जाओ, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बेटा जब भी तुम दोनों खुश शादी के लिए कहोगे तब कर दूंगा। बच गया। इस बात को लेकर हम लोग कितने टेंशन में थे, सब ठीक हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। आज से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ मेरी। तुम अमेरिका पढ़ने चली जाओ, वहां से अपने डैड को बोल देना कि क्रिश ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो समझेंगे मैं धोखेबाज हूँ, पर मेरा क्या जाता है। उसके बाद तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम लड़का ना सही, पर कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। यार मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लड़का जरूर मिलेगा, तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा दिल कांप उठता है कि कल तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं मजबूर हूँ कृष। अब तक मेरे लिए किसी ने इतना कुछ नहीं किया जितना तुमने किया है, और कोई कर भी नहीं पाएगा। इन थोड़े से दिनों में तुमने मुझे सिखा दिया है कि जीना किसे कहते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम ही हो कृष, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। मुझसे वादा करो क्रिश कि तुम यहां से जाने के बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं लौटोगे। शुरू करो ना। कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व मत हो कि फंस जाओ। भूमि ने जब तुमसे अपने मन की बात कही तो तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम्हें यही डर था ना
कि मैं तुम्हारे बीच आ जाऊंगी। इंदु, थैंक्स। ना तुम मेरे साथ क्रिश को यहाँ भेजती, ना सब कुछ ठीक हुआ होता। भूमि यार, क्रिश तुम्हें ही मुबारक हो। किस सोच में पड़ गई? अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड को मुझे देने का घमंड दिखा रही हो? हाँ, तुम मुझे क्या दोगी? मैं तो खुद तुम्हें अपना होने वाला पति लौटाने आई हूँ। क्रिश तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। भूमि, अगर ऐसा ही है तो रो क्यों रही हो? अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना मुश्किल है उससे दूर होना जिससे आप इतना प्यार करते हो। अच्छा होता अगर मुझे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मैं तो सब कुछ जानती हूँ ना। उसने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ से जाने के बाद सारा जमाना उस पर तुमसे बेवफाई का इल्जाम लगाए, बस तुम खुश रहो उसके लिए इतना ही काफी है। लेकिन वो भूल गया कि मुझसे शादी करने के बाद उसे इसी घर में लौटना होगा। उसे तो यहाँ मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुमने क्या किया भूमि? इंदु, शहर में जिसने तुझसे प्यार किया वो कौन है? पर वो तो जिसने तुझे धोखा दिया वो कृष्णा ही है ना? बाहर निकल। घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहां से। और तुमने इस पर यकीन करके कृष्णा पर शक किया? इतना अच्छा लड़का हमारा दामाद बन गया, इनको इस बात की जलन है? अरे, उसकी वजह से तो इस घर में आया है। उसने इतने सालों बाद हम दोनों भाइयों को मिलाया है और वो आज खुद से ज्यादा अगर मैं किसी पर यकीन करता हूं तो वो ये सिर्फ इस पर करता हूं। अरे देखो ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है बल्कि वो है। तुमने ही इंदु को धोखा दिया। तुम यहां भूमि के नकली लवर बन के आए? क्या फालतू बकवास कर रहे हैं ये लोग? बताओ, बता दो इन सबको, तुमने इंदु को धोखा नहीं दिया? वो लोग सही है। तुम भूमि को मैं इंदु का बॉयफ्रेंड हूं। Hey, Daddy! हमें लगा तू अपना है। जिन्होंने आंख मूंद कर तुझ पे भरोसा किया उन्हीं को तूने धोखा दिया। इसे छोड़ दीजिए, क्रिश को छोड़। तूने अपने प्रेमी को इसी घर में छुपा रखा था और हम सबसे कहा कि वो कहीं भाग गया है। अब अगर तू बीच में बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मेरी बात चुप कर। डैडी, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज, इन्हें रोक लीजिए डैडी।
क्रिश को मत मारिए। गलती तो मेरी परवरिश में हो गई, तुमने मुझे धोखा दिया। देखिए वो मर जाएगा, प्लीज रोकिए उसे। मर जाने दो, प्लीज रोकिए, मर जाने दो उसे। तुझसे मैंने कहा था मुझसे दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ेगी। भूमि कल भी मेरी थी और आज भी सिर्फ मेरी है। माँ कसम, मेरे खून का आखिरी कतरा बहने तक मैं भूमि पर तेरी परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा। हिम्मत है तो मुझे रोक। अपनी जबान पर भूमि का नाम भी मत ला। मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे नाम कर दी थी, पर तूने मुझे भी धोखा दिया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तुम दोनों को एक होकर अपने दुश्मनों से लड़ता देखो, ये मेरी इच्छा थी। पर इसको तुम दोनों इसको पीटोगे? अगर ये मालूम होता तो मैंने तुम्हें कभी ना मिलाया होता। लेकिन ये धोखेबाज है। हाँ हाँ, पर इसको हाथ लगाने से पहले इस बुड्ढे को मारो। और अब तू भी सुन, तू झूठी शान के लिए उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, इसलिए मेरे बोले एक झूठ की वजह से ये लड़का यहाँ आया। पिताजी, इस लड़के ने शहर में मेरी बेटी को धोखा दिया। असल में उसे यहाँ भेजने वाली तेरी बेटी ही थी। अब वो भूमि की जिंदगी से खेल रहा है। बाबा, जायदाद का लालच है इसे। क्या औकात है तेरी? तेरी जायदाद की क्या कीमत है जो ये हड़पने आएगा? हमारी सारी जायदाद मिलकर भी ना इसकी जायदाद का 1% नहीं है, हजारों करोड़ का वारिस है ये। अपने ऐशो आराम को छोड़कर ये यहाँ पर तुम्हारी बेटी को बचाने आया था। इस पागल खाने को इसने वृंदावन बना दिया। क्या बकवास कर रहा था तू कि ये भूमि की जिंदगी से खेल रहा है? ए, वो खुद इससे प्रेम करने लगी है। तुम भी तो पहले इससे नफरत करते थे, फिर पसंद क्यों करने लगे? यही तुम्हारी बेटी के साथ हुआ। अरे चाहे वो कोई भी हो, पशु हो या मनुष्य, इसे चाहेगा ही, ऐसा ही है ये। भाई साहब, जिसने इस घर को प्यार करना सिखाया उसी घर ने इसका खून बहाया। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। भैया, वो भूमि को उठाकर ले गया। हम में से कोई नहीं जाएगा, अब भूमि को यही लाएगा। उठ मेरे बच्चे, तूने ही काम पूरा करने का वादा किया था, अब जा, जाके भूमि को लेकर आ। तेरी कमिटमेंट मुझे अच्छी लगी, पर समझ नहीं आता तेरी फूटी किस्मत का क्या करूं। मैं बीच में आ गया ना, तुझे ये लड़की चाहिए ना तो आ और लेकर जा। देख क्या रहा है, आजा। हाँ, अरे देख क्या रहा।
तो उठ, मुझे मार और इसे ले जा। उठ कुत्ते। सुन कमीने, अगर अब भी तुझमें भूमि को मुझसे छीनने की हिम्मत है तो आ जाना, खत्म कर दूंगा तेरी हिम्मत को। नहीं तुझे, 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 तुझे। अरे भाई, ये प्यार करती है और ये भी करता है, वो प्यार करती है और ये भी करता है। बेटा, तो क्या आप टॉस करें? जी आप, ये बच्चा कैसे फैसला करेगा? ए भानु, तू बता ना। अरे शिव, अरे तू बता ना। अरे बता बता बता। मजा दिया। खाली मत करो, मैं कैसे बताऊं? इन्हीं तीनों को निपटने दो। मैं अभी आया। मंदिर जाना है, उठ जाओ। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ। लोग मंदिर क्यों जाते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन मैंने आपके मंदिर में आने से मना क्या कर दिया, आप तो फिर भी खींच लाए मुझे। पुत्र, ओ भगवान जी, आप और यहाँ? तुम्हारे यहाँ आने का कारण? जानकर अनजान बनने की कला तो कोई आप ही से सीखे भगवान। ये आपकी क्या लीला है? दोनों से ब्याह कर लो, कठिनाई होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। क्या आदत पड़ जाएगी? इस रास्ते पर सिर्फ मुसीबत है। जरा कुछ सोचिए, मुझे कोई हल बताइए। इसका कोई हल नहीं, सदा सुहागन रहो। भगवान, भगवान, मैंने उनसे हल पूछा और वो गायब हो गए। इसका मतलब तो दी एंड हो गया मेरा।